शहर की सरकार के चुनाव के लिए नामांकन पत्र शुक्रवार से जमा होने शुरू हो जाएंगे। बाड़मेर उपखंड अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही जिला कलेक्टर अंशदीप ने बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद चुनाव को लेकर 1 नवंबर को लोक सूचना जारी होगी। लोक सूचना जारी होने के साथ ही बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की समीक्षा 6 नवंबर को की जाएगी। कलेक्टर के अनुसार नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। उनके मुताबिक चुनाव चिन्ह का आवंटन 9 नवंबर को होगा। नगर परिषद के लिए 16 नवंबर को मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 19 नवंबर को बाड़मेर जिला मुख्यालय एवं कलेक्टर उपखंड मुख्यालय पर होगी। बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र के अनुसार लोक से सूचना जारी करने के लिए समुचित तैयारियां पूरी कर ली गई है। उनके अनुसार नगर परिषद सभापति के लिए 26 नवंबर को और उपसभापति के लिए 27 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा। इसके तुरंत पश्चात मतगणना होगी।